हेलो बच्चों, हेलो। माइक टेस्टिंग, माइक आवाज सही आ रही है बेटा? दिखाई दे रहा हूं मैं, अच्छे से दिखाई दे रहा हूं? ओके, चल बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, ईमानदार। तो आज का लिटरेचर चालू करते हैं। कल मैं आपसे एक बात कह रहा था, जब मैंने एंड किया था लिटरेचर को, है ना। अभी तो बेटा मुझे नहीं पता कब से लग रहा है बैच, कब से नहीं लग रहा है। अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके रिगार्डिंग, टाइम टेबल अभी आया नहीं है, तो अभी उसकी बात अपन ना करें, है ना बेटा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, चालू करें पढ़ना। यदि आप आज्ञा दें तो पढ़ना चालू करें। ओके चलो। तो कल एक बात मैंने आपको बताई थी, और बात ये बताई थी कि दुनिया का, अच्छा ऐसे बताता हूँ मैं आपको, किसी भी एटम का, दुनिया कोई भी एटम ले लो, सबसे कम आईपी तुम्हें किस एटम का लगता है? यदि वो रेडियो एक्टिव नहीं है तो सीजियम। यदि कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसका आईपी सबसे कम होना चाहिए वो कौन होगा? सीजियम। यदि वो रेडियो एक्टिव नहीं है तो, रेडियो एक्टिव होता है वो फ्रांसियम हो जाएगा, है ना। तो अपन तो सीजियम की बात करते हैं ना, तो सीजियम हो गया। तो सीजियम का यदि हम आईपी देखें तो सीजियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है ना। अब इसकी जो आईपी की वैल्यू है ना, और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो किसकी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है, सीएल नेगेटिव, ठीक है ना। अब सीजियम से जब सीजियम प्लस बनता है, सीजियम से जब सीजियम प्लस बनता है, वैसे ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ। दैट इज एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी की इसकी शायद वैल्यू दी हो। मिल जा सिमसिम। ये कौन सा चैप्टर आ गया, पीरियोडिसिटी चैप्टर है। मैं देख के रख लेता लेकिन मुझे ये लगा ही नहीं कि ये वैल्यू वाइज मैं तुम्हें लिखाऊं क्या। एक सेकेंड, जस्ट वेट। आयनाइजेशन एनर्जी, सीजियम का डाटा, टाम टूम चकाम कुछ चाहिए, डूम डूम चट चट, लिथियम सीजियम 374 दिया हुआ। दिस इज डेल्टा एच आईपी इज इक्वल टू 374, ठीक है बेटा। अब सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है पीरियोडिक टेबल में वो क्लोरीन की होती है, उसकी वैल्यू है 349। तो उसकी जो वैल्यू है डेल्टा एच ई जी, एनर्जी रिलीज होगी -349, है ना। और एनर्जी के टर्म्स है आई सपोज किलो जूल पर मोल, दिस इज किलो जूल पर मोल एंड दिस इज ऑल्सो किलो जूल पर मोल, करेक्ट है। अब यदि डेल्टा एच ई जी इतना है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा बेटा? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा? +349 किलो जूल पर मोल, करेक्ट है बेटा। तो यहां से मैंने एक बात समझी कि तुम लोग मेरी बात को समझ रहे हो। अब तुम लोग मेरी बात को समझ रहे हो? ये डाटा सबको समझ में आ गया? ये डाटा सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले ही बोलो, है ना। सबको डाटा समझ में आ गया? अब ये बात भी, मेरी बात को आप ध्यान से समझना। यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, इस वाली इक्वेशन को मैं यदि उल्टा कर दूं, तो दिस विल कम सीजियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स टू सीजियम, और इसमें जो डेल्टा एच ई जी आएगा, इस समय मैं इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कैटाइन बोल सकता हूँ। बोलो बेटा, डेल्टा एच ई जी कैटाइन जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -374 किलो जूल पर मोल, करेक्ट है, किलो जूल पर मोल। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो होगा +374 किलो जूल पर मोल। यहां से एक बात समझ में आई कि यदि कोई कैटाइन सबसे कम इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता तो सीजियम प्लस होता, क्योंकि सीजियम में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रिलेटिवली बाकी मेटल से ज्यादा होती है। पहली बात पे एग्री करो, सीजियम में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बाकी मेटल से ज्यादा होती है। पहली बात इस बात पे एग्री करो कि हाँ, इससे आप एग्रीड हो, क्योंकि सीजियम का आईपी सबसे ज्यादा कम है ना। फ्रांसियम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, रेडियो एक्टिव है इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा। वैसे भी सीजियम और फ्रांसियम के आईपी में सिर्फ 1 किलो जूल का अंतर है, ऐसा कोई अंतर भी नहीं, ठीक है ना। चलो, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली आसानी से देगा, जब वो इलेक्ट्रॉन खींचने की बारी आएगी तो वो उतना बहरा के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा। जैसे आप मान लो, यदि मेरे पास कोई वॉलंटियर होता तो मैं उससे बात करता। यदि मान लो मेरे पास में खुशी है ना, खुशी, तो खुशी से किसी ने 100 का नोट ले लिया, खुशी से किसी ने 100 का नोट ले लिया, ठीक है।
और बीपीएस सर से किसी ने 100 का नोट ले लिया, तो क्या खुशी को इतना दुख नहीं हुआ? खुशी ने बोला ओके ठीक है, चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन बीपीएस सर जो है रोड पे लोट लोट गया, मतलब बिल्कुल रोने आने लगा, एकदम रोड पे लोट लोट के मातम मनाने लगा, हाय देखिए मेरा 100 का नोट चला गया, समझ ला। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीपीएस सर जो है वो नोट के प्रति, उनकी एफिनिटी जो नोट के लिए वो बहुत ज्यादा, उनकी जो एफिनिटी नोट के लिए है वो बहुत ज्यादा है। क्लियर है ना बेटा इतनी बात? आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर है इतनी बात बेटा? जैसे आपने मूवी कबीर सिंह देखी, उसके अंदर उसकी प्रीति चली जाती है, तो वो लोट लोट जाता है, मतलब दुनिया में मतलब बिल्कुल ही ताकोराम मचा देता है, इस टाइप से हरकतें करता है। लेकिन अब कई लोगों की प्रीति चली जाती है, लेकिन वो लोग इतना कोहराम नहीं मचाते, मतलब। तो द थिंग इज दैट, आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो ज्यादा बहरा के अपनी इलेक्ट्रॉन खींचे, उसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा है, उसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा है। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे, उसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा है। ठीक है भाई, अंडरस्टूड ना? ये तो सिंपल सी बात है यार, अब इसमें क्वेश्चन मत पूछो यार। तुम लोग हर चीज में क्वेश्चन पूछते हो ना, फिर मैं इरिटेट हो जाता हूँ। मैं आपको बताऊँ, सिंपल सी बात करो, उसमें भी तुम लोग क्वेश्चन आ जाता है। इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछने के लायक है? मतलब अभी अभी जो बात करी है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा अपनी, और बीपीएस सर जो है ज्यादा खींच रहा था, अब इसमें भी क्वेश्चन है तुम्हारे पास में है? हाँ, इतनी सिंपल सी बात में नहीं समझने का क्या है? तो इतनी सिंपल सी बात है। हाँ देखो, आप कुछ नहीं मिला तो सर योर वॉइस इज लो, पढ़ लो यार। देखो मैं आपको सच्ची बोलूँ ना, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, फालतू की बातें मत किया करो। मैं आपको एक बात सच बोल रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ओवर क्वेश्चनिंग करोगे ना तो मैं आपकी बात सुनना ही बंद कर दूंगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पढ़ाने तो दो यार, तुम लोग पढ़ा नहीं देते, उसके पहले क्वेश्चन पूछने लग जाते हो, कुछ भी मतलब ना। आगे बढ़ने दो यार, नहीं तो मेरे को सही में पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ेगा। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, सीजियम प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये इधर सीजियम आएगा, ये मेरी गलती, वो मैंने गलती से लिख दिया। अब ये क्वेश्चन आपको मेरे से नहीं पूछना चाहिए, वैसे आप पूछ नहीं रहे थे कि सर सीजियम प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे सीएल कैसे आ गया। नाउ दिस इज हाईली हाईली स्टूपिड, यू नो दैट के सीजियम आएगा, है ना? डोंट डोंट आस्क द क्वेश्चन, जस्ट करेक्ट बाय योरसेल्फ। सो सीजियम प्लस गिव्स टेक्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स सीजियम, करेक्ट है? मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये कैटाइन और ये न्यूट्रल एटम है ना? जब न्यूट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन को लिया, तो दुनिया का जो न्यूट्रल एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्लोरीन है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेते हुए जो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है वो क्लोरीन है। ठीक, ये फैक्ट है, आपने इस फैक्ट को सुन लिया? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है वैल्यू को याद करने की, इस फैक्ट को आपने सुन लिया, और याद कर लोगे तो आपके लिए फायदा होगा। जो बोर्ड पे मैंने लिखा वो याद कर लो तो कई बार फायदा हो जाता है। Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Cl नेगेटिव, ठीक है ना? इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई है वो सबसे ज्यादा है, दुनिया का कोई न्यूट्रल एटम इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करता जितनी क्लोरीन करता है। अब ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पहली बात क्लियर है, ठीक है ना? और दुनिया का वो कैटाइन नहीं करता ना, खुशी बेटा बोल दिया ना, क्लोरीन करता है, मतलब क्लोरीन करता है, खत्म। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। अब फ्लोरीन क्यों नहीं करता, उस पर आएंगे जब टॉपिक पे आएंगे, अभी टॉपिक आया नहीं है वहां पे, है ना? सीजियम प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब आप मेरी बात को अगेन समझो, ये कैटाइन है, ये कैटाइन है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये भी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये इक्वेशन बता रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कैटाइन या इंथेल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी ऑफ कैटाइन, और ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम, ये न्यूट्रल एटम है क्लोरीन की बता रहा है। तो किसने एनर्जी ज्यादा रिलीज करी? तो देखा ना, सीजियम प्लस ने एनर्जी ज्यादा रिलीज करी, मतलब कहने का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनी कैटाइन। अब तुम यदि ये सवाल पूछो आपने सीजियम प्लस ही क्यों लिया कंपेयर करने के लिए, तो वही मैं आपको समझा रहा हूं तब से। सीजियम प्लस इसलिए लिया क्योंकि सीजियम में इलेक्ट्रॉन देने की पावर सबसे ज्यादा है, तो लेने की पावर उसके कैटाइन की सबसे ज्यादा कम होगी। जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है आसानी से, तो वो वापस पलट के नहीं लेगा उतना बहरा के, ये बात मैं आपको समझा रहा था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना? तो अब मैं सेंटेंस को कंक्लूड करता हूं, आप लिख लो नोट नोट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनी कैटाइन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनी न्यूट्रल एटम, एनी न्यूट्रल एटम, करेक्ट है?
हो गया बस। अब मैं आपकी तरफ देख ही नहीं रहा हूँ इस मामले में कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि समझा दिया 3-4 बार समझा दिया और नहीं समझा सकता। नाउ आगे बढ़ जाओ, चल आई बढ़ो आगे। ना ये एक सिंपल सा सेंटेंस था, खत्म हो गया। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपको देता हूँ। इस सवाल को समझाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, आपकी करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे रिलेटेड थ्योरी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में और यहाँ वहां पढ़ चुके हो। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सवाल को सॉल्व कर पाओ। कल आपको केमिकल इक्वेशन का जो मैंने एडिशन बताया था, किस तरीके से ऐड करते हैं दो इक्वेशन को, एनर्जी की वैल्यू ऐड हो जाती है, उसमें 3-4 एग्जाम्पल बताए थे, वो बात समझ में आ गई थी सभी को? जैसे माया गिव्स मुलायम, मुलायम गिव्स अखिलेश, अखिलेश गिव्स राहुल, राहुल गिव्स मोदी, ये सब चीजें समझ में आ गई थी कैसे इक्वेशन को लिखते हैं हम, और जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उनकी इनथैल्पीज भी ऐड हो जाती है। ये बात कल मैं आपको समझा चुका था, ठीक है? अब चलो अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आप विश्वास करो कि जवाब देने से होता है ना? मान लो हीलियम गिव्स हीलियम प्लस प्लस, ठीक है ना? इसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू मैं अपनी तरफ से मान लो दे देता हूं 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक? हाइपोथेटिकल वैल्यू मैंने अपने मन से दी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? हाइपोथेटिकल वैल्यू अपने मन से दी पर एटम। फाइंड वैल्यू फॉर वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर इक्वेशन हीलियम गिव्स हीलियम प्लस। यदि आपने बता दिया तो मैं आपको बोलूंगा कि आप बहुत बहुत होशियार हो, लेकिन आप बता दोगे इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा कम है। अब आप में से जो आंसर बता दे वो जबरदस्त है, मतलब बाकी सब फालतू की बात है। फालतू मतलब इसमें कोई मतलब नहीं है, मतलब इंटेलिजेंस चेक होती है आपके इंटेलिजेंट काम हो सके, फालतू की बात उससे नहीं होती। चलो इसका सवाल का जवाब जो बता दे तुम में से एक भी बच्चा, जितने भी मीटिंग में हो, तो मैं मानू कि वो होशियार बच्चा। देवांश बेटा सोच समझ के बोलना जो भी आंसर हो, आरिफा सोच समझ के बोलना जो भी आंसर है, ऐसे मतलब ऐसे ही मत दे देना आंसर फालतू फालतू का। इतना आसान क्वेश्चन होता है, पूरी क्लास के बारे में बात नहीं करता, ठीक है ना? पूरी क्लास के बारे में कही है तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अच्छा हो, तभी ना कही है। हाँ भाई बहुत सारे आंसर आ गए, 10, 20, 25, पता नहीं क्या क्या आंसर है। एक बात सोचो, आपके पास एक इक्वेशन है हीलियम गिव्स हीलियम प्लस प्लस, करेक्ट है? ये इक्वेशन कैसे बनी होगी? ये इक्वेशन दो इक्वेशन से बनी होगी। सबसे पहले हीलियम ने हीलियम प्लस बनाया होगा, इसमें कुछ एनर्जी निकली होगी डेल्टा एच, फिर हीलियम प्लस ने हीलियम प्लस प्लस बनाया होगा, इसमें कुछ एनर्जी निकली होगी डेल्टा एच, और इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन किया होगा, इसने मारा इसको और बन गया होगा हीलियम गिव्स हीलियम प्लस प्लस। तुमको हीलियम गिव हीलियम प्लस के लिए वैल्यू पता है क्या? हीलियम गिव्स हीलियम प्लस, थोड़ा सा डाटा में गलती हो गई मेरे से, क्योंकि मैंने हीलियम गिव हीलियम प्लस प्लस दे दिया, वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, वो डाटा थोड़ा गलत है। मैं डाटा को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डाटा चेंज करके 70 कर देता हूँ, क्योंकि ये ओवरऑल वैल्यू आ रही है 70, है ना? अब आपको और कौन सी वैल्यू दी है मैंने? द वैल्यू ऑफ हीलियम। हाँ, और पूछी गई कि हीलियम गिव हीलियम प्लस, ये वाली वैल्यू आपको पूछी है, और ये वाली वैल्यू मैंने आपको दे दी है। अभी भी आपके पास मौका है, कोई दिक्कत नहीं है, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू, आप चाहो तो अपने आंसर में चेंज कर सकते हो।
आप चाहो तो अपने आंसर में चेंज कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। 35 बेटा, 35 सही आंसर है, इसकी उम्मीद मुझे बहुत ज्यादा कम है, इसलिए आप लोग दिमाग लगाना चालू कर दो। एक भी आंसर सही नहीं। हाँ, आपको मैंने टाइम दिया, टाइम दिया, मैं तो बोल रहा हूँ ना, आपकी इंटेलिजेंस चेक तभी होती है जब आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर दो। पढ़ना क्या मतलब, फिर कैसे चेक होगी? अच्छा चलो, तुम लोगों को इसका कोई हिंट दूं क्या, कोई हिंट दूं क्या, हिंट हिंट कोई हिंट दूं क्या? अच्छा चलो हिंट देता हूँ, क्योंकि आंसर सबका ही गलत है, इसलिए हिंट देता हूँ। इसमें चैप्टर एटमिक स्ट्रक्चर का ज्ञान भी लगेगा, इसमें चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का ज्ञान भी लगेगा। ये दूसरा हिंट दे दिया, बस ये बहुत बड़ा हिंट है। इतने पे मैं कर लेता क्वेश्चन सॉल्व, मैं आपको एक बात सच्ची बोलूँ ना, मैं कर लेता इतने पे क्वेश्चन सॉल्व अपनी स्टूडेंट लाइफ में, मैं टीचर की लाइफ में नहीं बोल रहा, अभी स्टूडेंट लाइफ में कर लेता इतने क्वेश्चन सॉल्व। टाइम दे रही हूँ, टाइम दे रही हूँ मैं आपको, मैंने बोला इसमें चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी लगेगा। अब तुमको ये बात पता है, तुमको इसकी वैल्यू पता है, किसकी पता लगानी है, हीलियम गैस, हीलियम प्लस, इसकी पता लगानी है, इसकी पता नहीं। और जब तक इसकी पता ना लगे तब तक हम इसकी पता लगा नहीं सकते, क्योंकि इसकी प्लस इसकी बराबर इसकी, इसकी प्लस इसकी बराबर इसकी, नहीं इसमें डी ब्रॉगली नहीं लगेगा, मैं फिर बता दूं आपको, डी ब्रॉगली ना लगे इसमें। कोई एक बच्चा तो कुछ कुछ बोल रहा है, लेकिन करके बताओ, तो मानू करके बताओ, बाद में मत बोलना सर मैं यही कह रहा था। देखो नित्या ने तो आंसर ही दे दिया, बढ़िया वाला ले लो सर, टकलू जीरो, कोई एनर्जी नहीं लगेगी। वाह बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, कोई एनर्जी नहीं लग रही, वो भी नोबल गैस से जा रहा है। संदेश, आई एम वेटिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम बेटा। समर्थ बोल रहा है 85। अब सोच यार, थोड़ा कॉमन सेंस लगा ली मेरे भाई, इसकी एनर्जी प्लस करके इसकी एनर्जी हुई तो 70 से ज्यादा कैसे आ सकती मेरे भाई, कुछ तो सोच ले। इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी बराबर इसकी एनर्जी तो प्लस कैसे आ सकती है? चलो लेट्स चेक, हो सकता है तुम में से एक आध बच्चे का आंसर सही निकल जाए या तीन चार का सही निकल जाए, क्योंकि अब काफी समय हो गया, मैंने आइडिया भी बहुत सारा दे दिया। इस प्रोसेस की एनर्जी आपको एक्चुअली पता है, आपने ध्यान नहीं दिया। इस प्रोसेस की एनर्जी हीलियम प्लस से हीलियम प्लस प्लस बनना, दिस इज आयनाइजेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मेरे भाई। हीलियम प्लस क्या होता है? हाइड्रोजन लाइक होता है। तो इसकी एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर दैट इज 4 बाई एन स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। याद आया, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की एनर्जी हम बोर के मॉडल से निकाल सकते हैं मेरे भाई, 54.4 आ जाएगी। सो दिस इज 54.4, लेकिन इसमें एनर्जी लगी है, और ये टोटल एनर्जी होती है आयनाइजेशन एनर्जी प्लस साइन के साथ होती है। सो दिस इज प्लस, आपको याद है टोटल एनर्जी का साइन रिवर्स कर देते तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती थी 54.4। अब इसका आंसर होगा 70 - 54.4। शायद एक आध बच्चे का ये आंसर सही था, किसी ने 16 आंसर बोला था। अथर्व, आपने पहले बोला था क्या? सहज नहीं, आप माइनस करके नहीं बताना, आपका आंसर यदि ओरिजिनली सही था तो फिर ठीक है। शुभम खंडेलवाल बोला सर मेरा आंसर ये था, जिसने शुरू से बोला हुआ आंसर, किसका आंसर ये सही था? सच्ची सच्ची बताओ, किसका आंसर ये सही था? सच्ची सच्ची बताओ, कसम उड़ान छल्ले की, झूठ मत बोलना, किसका सही था? मुझे तो खुशी होगी जान के, आई विल बी हैप्पी। मैं लगा हुआ यार क्लास में एक तो बच्चा है जिसने सवाल ये वाला सॉल्व कर दिया। अर्पित ने बोला था, अर्पित सेज, अर्पित ने ही आंसर बोला था। ओके अर्पित, वेरी गुड बेटा, आपने यही सोच के ही आंसर दिया था बच्चे। मैंने सब्सट्रैक्ट करे बिना बोला था सर, मतलब तुक्का आपका सही हो गया था ऐसे, मतलब स्वीट 16 बोल दिया था आपने ऐसा। ओके अर्पित, वेरी नाइस बेटा, यदि आपने ये सोचा था तो बहुत अच्छी बात है। खुशी बोथरा ने 54 बोला था, इसका ये 54 बोला बेटा। मेरे को तो आंसर चाहिए 16 आपको आंसर दे देते तो भी मैं सही मान लेता आपका आंसर, जिसने 16 दिया है वो भी मैं सही मान लूंगा। अब गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था, ये कईयों को नहीं बनता, एक अच्छा क्वेश्चन है, जनरली 11th में लोग कराते भी नहीं,
कईयों को नहीं बनता है क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कल थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा चुका था इसलिए मैंने सोचा कुछ तो अच्छा पढ़ा दूं। पहले मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा था, अब मैं सैटरडे की क्लास में, आज कौन सा डे बेटा, आज फ्राइडे है क्या, आज फ्राइडे है क्या, आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे, मैं कल एक दो घंटे की क्लास लेता हूँ आपकी अच्छी वाली, है ना, जिसमें मैं हाइयर लेवल के सवाल करवा पाऊँ। प्लीज कल कोई उसमें अड़िंगर मत मार देना कि हम तो बहुत थक जाते हैं, सैटरडे ही हमने एक सपना देखा था कि सैटरडे को ही पढ़ेंगे, नहीं ऐसे समय लूंगा जब किसी का स्कूल स्कूल कुछ ना हो, ढाई बजे के बाद ही लेंगे, ढाई बजे के बाद ही लेंगे जब किसी का स्कूल स्कूल कुछ ना, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, हाँ पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस वेरी गुड। एंड आज नहीं ले सकते, और मैं आपको बताऊं यदि मेरे को प्रॉब्लम में जेन्युइनिटी नहीं लगती ना थोड़ी बहुत, मैं किसी की बात नहीं सुनता हूँ, मैं तो क्लास लेता हूँ तो लेता हूँ, मैं किसी से ना पूछता हूँ ना किसी की सुनता हूँ। जितने लोग मेरे को जानते हैं पर्सनली एलएन आते हैं उन सबको पता है मैं नहीं सुनता, जो काम सही है वो काम मैं करता हूँ, उसके लिए मेरे को किसी से पूछने की क्या जरूरत है। अरे मेरे को पता है यार ये एक्स्ट्रा क्लासेस से तुम्हारा सब्जेक्ट डेवलप होता है, आप याद करो वो एक्स्ट्रा क्लास में आप क्या सीखते थे यार, अच्छे से अच्छे लोग नहीं सीखते वो सब क्लासेस में, ऐसा तो एक्स्ट्रा क्लासेस आर वेरी नाइस वेरी गुड। पर अभी वो शायद स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। अब बाकी स्कूल स्कूल की प्रॉब्लम ये सब है, फालतू की प्रॉब्लम से इनका कोई मतलब नहीं, बताओ बच्चे क्या करते हैं, मम्मी पापा को बता देते हैं, मम्मी पापा अपने बच्चे को देख के इमोशनल होते हैं, मेरे ही लड़का आकर के मेरे को आंख में आंसू भर के बोल रहे पापा मैडम ने क्लास के अंदर पढ़ाती मेरे को आंख पे बहुत जोर आता है, मेरा तो खून खोल जाएगा, मैं कहूँगा अरे, जबकि मैं रियलिटी नहीं समझ पाऊंगा, मुझे लग अपने ही बच्चे का नुकसान हो रहा है उसमें, ठीक है ना, हाँ मिटाओ इसको, मिटाओ 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 मिटाओ। अब ये स्क्रीन टाइम का तो बेटा ऐसा है कि दो मिनट मोबाइल हाथ से दूर चला जाए तो कुछ लोगों का तो दिल की धड़कन रुकने पे आ जाती है, तो उनका दिन भर का स्क्रीन टाइम कितना है वो दुनिया जानती है, लेकिन जब वो व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं और जब वो वीडियो गेम खेलते हैं तब उन्हें स्क्रीन टाइम नहीं दिखता, मूवी देख ले तो भी नहीं दिखता है, सही बोलूं तो, है ना, ऐसे करके एक अंग्रेजी का शब्द है उसका नाम होता है स्क्रीनिंग टाइम। कोई नहीं तो एक ही दिन ले लेंगे क्लास आपकी सैटरडे को, है ना, पहले आधा आधा घंटा लेते थे, अब एक दिन ऑफिशियल क्लास मिल रही है एक घंटे की और सैटरडे को दो घंटे की ले लेंगे, खेला खत्म बाबू, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते मेरी बात को आगे आपको ध्यान सुनना, यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, है ना। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ फैक्टर्स, देखो जरा मॉड्यूल में क्या फैक्टर्स ही दिया है क्या, इसके बाद बहुत सरल है आप खुद भी कर सकते हो, मेरे पढ़ाने की क्या जरूरत है, आप खुद ही बोल दोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग में क्या क्या आएगा, हाँ हो गया ये सब चीजें। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लियर है बेटा, आप सोचो कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करेंगे, नंबर वन जेड अफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, हर एक ही फैक्टर लेकिन आईओसी में कभी रेगुलेट नहीं करता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, जिसका जेड अफेक्टिव ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, नॉर्मल ट्रेंड है, है ना बेटा। नंबर टू साइज ऑफ एटम, नॉर्मल ट्रेंड क्या होगा, एटम का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, छोटा होगा तो ज्यादा होगी, आप लोग मैं फिर से बोल रहा हूँ, सवाल नहीं जवाब, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब ज्यादा होगी, जब साइज बड़ा होगा साइज छोटा होगा, ऑब्वियसली छोटा होगा, एक कॉमन सेंस की बात है यार, मैं छोटू हूं तो छोटू का मतलब ये हुआ कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन इतनी पास तक आ जाएगा तब तक रिपल्शन कम होगा, क्योंकि इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन है, या बोले इधर तक आ जाएगा तब ये इलेक्ट्रॉन को बहरा के रिपल्शन करेगा, लेकिन जिसका बड़ा साइज है वो तो इतनी दूरी आ सकता है उसके बाद तो ये इलेक्ट्रॉन इसको अंदर घुसने ही नहीं देगा, तो ये दूर से ही अट्रैक्ट करेगा और ये पास पास तक करेगा, कोई मेरे पास तक आ जाता है मैं उसको पास से देख सकता हूँ ज्यादा अट्रैक्शन होगा, है ना, और यदि मैं उसको ऑनलाइन देखूंगा तो उतना अट्रैक्शन थोड़ी ना होगा यार, क्या कहते हो यार, मेरी बातें तुम लोगों को समझ में आती है कि नहीं आती, मेरी वाली बात तुमको समझ में आ गई, किसी को मैं बिल्कुल पास से देख रहा हूँ, है ना, सामने बैठा हुआ है, कई लोग मेरे देखा क्लास के अंदर वो इंतजार करते रहते कब से क्लास खुलेगी, है ना, तो द थिंग इज दैट कि पास से देखते तो ज्यादा अच्छा लगता है, अब जैसे मैं ऑनलाइन इतना स्मार्ट हो ना देखता हूँ, लेकिन यदि तुम मेरे से सामने मिलोगे तुम्हें लगे अरे वाह यार सर इधर कैसे आ गए,
क्या तुम लोग मेरी बात को समझ गए ना, है ना? आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना? तो सामने से देखोगे तो ज्यादा दिखाई देगा, मतलब ज्यादा अच्छा देगा दिखाई, तो साइज ऑफ द एटम। तो यदि मैं साइज ऑफ द एटम की बात करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूर से खींचेगा तो कम खींचेगा, तो पास से खींचेगा ज्यादा खींचेगा, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। हाँ हाउ हाउ। अच्छा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन मान लो एस सब शेल में आ रहा है तो वो ज्यादा आ सकता है ना, मतलब क्या कहते हो तुम लोग, यहाँ दिया है क्या ये? हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ दिया है। एक बात ये है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल, एक बात सोचो यार, यदि कोई स्टेबल है, मान लो कोई स्टेबल है, ठीक है ना? अब मान लो करण है, करण की जिंदगी में पहले से क्या रहा है? मान लो यार, मानने में क्या अर्जा है, मान लो मानने में क्या अर्जा है, मुझे पता है नहीं है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ, अभी टेंथ के बच्चे अभी तो इलेवंथ में आए, कहाँ क्या रखी है, लेकिन फिर भी सोचने में क्या जाता है ना। तो करण की जिंदगी में पहले से क्या रहा है, तो इसका मतलब जीवन स्टेबल है बेटा, कमाने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कमा के भी वही ले आती है। सर क्यारा को हटाओ, शिवम को बहुत बुरा लग रहा है, सर क्यारा के अलावा आप लेके आओ आपको, है ना भाई? बेटा वो तो करण डिसाइड करेगा ना। करण ने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके बोला, सर मेरे को ना क्यारा पे एग्जाम्पल देना आप, मेरे को बहुत पसंद है वो, ठीक है ना? आज ही उसने बोला। तो कैटरीना कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो द थिंग इज दैट के करण जौहर की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी क्लास में करण पाटीदार उसकी बात कर रहे हैं। सो करण को क्यारा पसंद है और क्यारा उसके जीवन में है। तो जब किसी के जीवन में क्यारा है, उसके सामने आलिया आके कितना भी डांस करे या कैटरीना आके कितना भी डांस करे, क्या वो करण उनकी तरफ देखेगा? जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ यार, देखेगा क्या? नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी है, उसके जीवन में स्थिरता है, उसके जीवन में स्थिरता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो द थिंग इज दैट जब सबशेल हाफ फिल्ड होते हैं, एक बात मैं आपको बोलूं बेटा, मैं एक भी मजाक जो है नॉन प्रोफेशनल नहीं करता हूँ, 100% ही केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ, समझ लो। जो मैं बोलूंगा ना ये बहुत दिनों तक याद रहे, और कोई ऐसे ही एग्जाम्पल दे दूंगा ना इतने दिन तक याद नहीं रहता, ये एग्जाम्पल्स ना जीवन में याद रहेंगे तुमको 100%, ठीक है ना? तो जब स्टेबल होता है ना जीवन, जब स्टेबल होता है हमें अच्छा अच्छा लगता है। मुझे पता है आप में से किसी का फिलहाल स्टेबल नहीं है, मैं जानता हूँ। द थिंग इज दैट एक बार स्थिरता आ जाती है, उसके बाद इंसान जो है वो यहाँ वहां नहीं देखता है। तो द थिंग इज दैट व्हेन स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड सबशेल, जैसे एग्जाम्पल बात करूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है, बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज वेरी लेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सेप्शनली लेस। एक्सेप्शनली लेस का मतलब समझे, जैसा हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा, है ना? बिकॉज नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, बिकॉज नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड। आपको तो याद है बेटा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं, धक्का मार देता है इलेक्ट्रॉन को, याद है आपको? जबरदस्ती अंदर धक्का देना पड़ता है नाइट्रोजन में, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, नाइट्रोजन में जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को अंदर धकाना पड़ता था। जैसे नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में तो फुल फिल्ड होता है, बहुत ही मुश्किल है, उनका डेल्टा एच की वैल्यू लपक के पॉजिटिव होगी, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लपक के नेगेटिव होगी, समझे बात को? फास्फोरस इज हाफ फिल्ड, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होता है, आएंगे अपन उस पर, डोंट वरी अबाउट दैट। जब जो अभी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत, मैं बार बार आपको एक बात बोलता हूँ, आगे क्वेश्चन मत पूछा करो, मैं बताऊंगा सब कुछ। नोबल गैस आएगा, फास्फोरस आएगा, डोंट वरी, नाइट्रोजन नोबल गैस, करेक्ट है? और कोई जो आपके दिमाग में आता हो, और कोई जो आपके दिमाग में आता हो? वेरी गुड माही, टू ए वाले, इनकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा कम होगी, लेस देन एक्सपेक्टेड, ठीक है ना? क्योंकि स्थिर थे, क्योंकि इनके जीवन में स्टेबिलिटी थी, समझला? हाना बोलना पड़ेगा, आई बात समझ में? अच्छा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आ रहा है, किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आना पसंद करेगा, एस सबशेल में कि पी सबशेल? मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन, भूमिका ने एकदम सही बोला, नित्या ने सही बोला कि एस सबशेल में आना पसंद करेगा, क्योंकि एस सबशेल न्यूक्लियस के नजदीक है भाई। यार यदि मैं मान लो यहां से मुंबई जा रहा हूं,
तो मैं वो वाली सीट पर बैठ करके सिनेमा देखना चाहूंगा जिस सीट से मेरे को मेरे पसंदीदा कलाकार सबसे ज्यादा नजदीक है। क्या कहते हो, सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? क्लियर है बात तुम लोगों? द थिंग इज दैट कि मैं उस सबशेल में जाके बैठूंगा जिस सबशेल में बैठ करके मैं सबसे ज्यादा नजदीक न्यूक्लियस के हो जाऊं, उस ऑर्बिटल में जाके, उस सबशेल में जाके बैठूंगा जहां से मैं न्यूक्लियस के सबसे नजदीक हूं। सो इफ द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इन एस सबशेल एंड पी सबशेल, द इलेक्ट्रॉन विल हैव अ प्रेफरेंस फॉर एस सबशेल। क्लियर है बात? अनलेस एंड अंटिल एस सबशेल की जगह ही खाली ना हो। भाई मेरी तो इच्छा है कि, समझ रहे हो बात को, ये भी तो कंडीशन हो सकती है एस सबशेल की जगह ही खाली नहीं है। मेरा मन है कि मैं एस सबशेल में जाके बैठूं, लेकिन वहां ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है तो मैं नहीं बैठ सकता, तो मेरे को मजबूरन पी सबशेल में बैठना पड़ेगा। समझ लो, समझ लो। तो इतनी बात सब लोगों को यहां तक तो समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको चौथा पॉइंट भी बताता हूं, आप पहले इसको नोट कर। एक बात आप याद रखना कि इनमें से एक फैक्टर कोई भी कभी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रेगुलेट नहीं करेगा। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच रेगुलेट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझे? तो आप किसी एक फैक्टर को पकड़ के मत बैठ जाना। पहले आपको जनरल ट्रेंड बताते हैं, इसके बाद एक्सेप्शंस बताएंगे। एक्सेप्शंस जब बताऊंगा तो दो काम करूंगा, एक्सेप्शन बताऊंगा तो एक्सेप्शन बताने के साथ उसका रीजन भी बताऊंगा और उस एक्सेप्शन को कैसे याद रखना है उसकी ट्रिक भी बताऊंगा। अब तक हम ऐसा ही करते रहे हैं। यार वो रेसवा सॉल्व करो अब, या कम से कम मॉड्यूल ही सॉल्व कर लो, तो हम जो है कल की क्लास में पूरा डिस्कशन कर सकते हैं। यार एक वन शॉट कर सकते हैं कम से कम, क्या कहते हो? दो काम हम कर सकते हैं कल की क्लास में, या तो पीरियडिसिटी का कर लें, या फिर हमने जो एटमिक स्ट्रक्चर में छोड़ के रखे हैं टॉपिक वो कर सकते हैं। वैसे मेरे को लग रहा है पीरियडिसिटी कर ले तो सही रहेगा क्या, क्योंकि अभी करंट में चैप्टर चल रहा है और आप लोग ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे होगे, इस बहाने आप मेहनत कर लोगे कल तक, है ना? तो कल तक आप जो है पीरियडिसिटी पूरा अपना सॉल्व कर लेना, मैं जो हूँ पीरियडिसिटी का एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूंगा, आनंद आ जाएगा आपको, है ना? तो चलो आगे बढ़ते। तो बात क्या चल रही थी, मैं आपसे कुछ बातें कहने वाला था, है ना? देखो चौथा पॉइंट लिख देता हूँ। If electron enters in more penetrating subshell, electron affinity is मोर। गिवन दैट अदर फैक्टर्स आर नॉट अफेक्टिंग, मतलब सिर्फ इसी आधार पर कि ज्यादा पेनिट्रेटिंग में आ रहा है ना। कई बार ये भी हो सकता है बेटा कि आप ज्यादा पेनिट्रेटिंग में मान लो ला रहे हो, है ना, आपका मन है कि एस में ले आओ, है ना, बट द थिंग इज दैट कि वहां पे जगह ही खाली नहीं है, तो अदर फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, है ना? मेरी बात समझ में आ रही तुम लोगों को? ये भी हो सकता है कि तुम किसी के 2p में लेके आ रहे हो और किसी और एटम में 3s में लेके आ रहे हो, तो वो तो थर्ड शेल हो गया और ये 2p है, तो 2p इज नियरर टू एस कम्पेयर टू 3s, तो उनकी कंपेरिजन भी नहीं की जा सकती। फिर कोई बच्चा आकर के बोल रहे सर जी मैं तो जो हूँ वो 3s में लेके आऊंगा, आपने तो बोला था s में आएगा, तो वो बेटा 3s तो बाहर है यार, कंपेरेबल चीजों को कंपेयर करते हैं ना, 3p से कंपेयर करो 3s को। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। पहली बात तो 3s खाली होना चाहिए, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हो जाएगा s के प्रति इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, फिर p, फिर d और फिर।
अब ये हो गए आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब मैं आपको पढ़ाता हूं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले इन पीरियड पढ़ा देता हूं, इन पीरियड पढ़ा देता हूं। अब क्या जरूरी है, पहली बात तो आपको सेकंड पीरियड के बारे में बताता हूं, सॉरी इन पीरियड पढ़ा देता हूं, वैसे जगह है यहां पर। सबसे पहले सेकंड पीरियड के बारे में बात करते हैं। सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होता है फॉकली, FOCLI, बन, बेनी, फॉकली बन बेनी। इसको यदि मैं लिख लूं तो ऐसे लिखूंगा FOCLI, फॉकली बन बेनी। ठीक है बेटा, फॉकली बन बेनी, बेनी बहन को बोलते हैं अपने मालवा में, बेनी, फॉकली बन बेनी, क्लियर? ठीक है। लास्ट पॉइंट, नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली। बेटा आपको ये याद है, एस ऑर्बिटल जो होता है न्यूक्लियस के नजदीक होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको ये बात याद है कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक होता है। बस तो बेटा, जब एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ना। न्यूक्लियस के पास जब कोई चीज रहेगी तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना। देयरफॉर पॉइंट इज देयर, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार्ट। नाउ इन पीरियड फॉकली बन बेनी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? फॉकली बन बेनी। सबसे पहले कंफर्म करो ये शॉर्ट फॉर्म याद हो गया, पहले याद कर लो फिर रीजन भी लिख देंगे। पहले याद कर लो फिर रीजन, फैक्टर्स में रीजन ऑलरेडी बता चुके हैं, बस लिखना बाकी है। याद हो गया फॉकली बन बेनी। सो दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन। अब मैं लिखूंगा नाइट्रोजन का कम क्यों है, लेस बिकॉज इट इज, आपको बताना है। तुम कुछ सोचो यार, यदि जेड इफेक्टिव के आधार पर देखते तो नाइट्रोजन का जेड इफेक्टिव इधर आता, तो नाइट्रोजन इधर आना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन उधर पहुंच गया। तो नाइट्रोजन का लेस देन एक्सपेक्टेड क्यों हुआ? बिकॉज इट इज लेस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस, बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड। रीजन आपको पता है, बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड, करेक्ट। अब एक बात और देखो, आप बोरॉन का बेरिलियम से ज्यादा है। बेरिलियम का अपन ने पहले ही बोला तो सेकंड डे का कम होगा, इसका कम क्यों है? नोबल गैस, फुल फिल्ड है ये। कैसा है? फुल फिल्ड है। क्या हम ये डिस्कशन कर चुके हैं? फुल फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेगा, जगह ही नहीं खाली, ठीक है ना। बोरॉन और बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम में क्या है? 2s is full filled, one s two, two s two। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगा, 1s2 2s2, that is full filled। इसलिए ऐसा। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, इसके पहले आप फिर से ये रोना रोने लग जाओ नहीं आया समझ में, क्योंकि ये आपका फेवरेट स्टेटमेंट है कुछ बच्चों का। सबसे पहले इसको याद करो, फॉकली बन बेनी। एग्जाम को समझो, एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। एग्जाम में पहली बात आएगी ऑर्डर क्या है, दूसरी बात आएगी रीजन क्या है, तीसरी बात कोई होती नहीं मेरे भाई। पहली बात क्या आएगी, ऑर्डर क्या है, दूसरी बात क्या आएगी, रीजन क्या है। तो क्या दोनों बातें समझ में आ गई? ऑर्डर समझ में आ गया, फॉकली बन बेनी करेक्ट है, रीजन हर एक का वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों बातें क्लियर है, क्लियर है। अब आप चाहो तो उसमें 10 तरह के कंफ्यूजन पाल सकते हो, लेकिन जबरदस्ती कंफ्यूज होना इज रॉन्ग। आप क्या करोगे, अपने सब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर लोगे यदि जबरदस्ती कंफ्यूज हो गए। जैसे कोई ये सोचता चालू कर दे नाइट्रोजन 2 पोजीशन क्यों उतर गया, 3 पोजीशन क्यों नहीं उतर गया। अब ये सब बकवास चीज है ना, वो सब एक्सपेरिमेंटल होता है, कितना पोजीशन उतर गया। तो रियल ऑर्डर क्या है वो शॉर्ट फॉर्म से याद करा दिया, रीजन क्या है वो नीचे लिख दिया, बस खेला खत्म बाबू। इतना ही याद होना चाहिए, इतना बहुत है, मोर देन इनफ है टू रिमेम्बर। थोप लो,
आओगे जब तुम हो गया बेटा, हो गया बच्चा, हो गया बच्चा, हो गया। यार एक बात सच बताना, क्या कल जैसे ही दिखाई दे रहा है? कल से थोड़ा बेहतर दे रहा है दिखाई, वो पता नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी इसकी कैमरा की सेटिंग बदली थी, कल जैसे ही है। हाँ कुछ हुआ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, लिटिल बेटर। ओके, रोशनी पे तो फर्क पड़ा है, लेकिन रोशनी पे तो कल भी फर्क पड़ गया था, मैंने बल्ब दूसरी साइड कर दिया था उसका। खैर ठीक है, अब एटलीस्ट रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज अभी भी है जो मुझे ज्यादा अच्छी पसंद नहीं आ रही है, वो ये कि मेरे मोबाइल में मेरे को बहुत सुंदर दे रहा है दिखाई, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर दे रहा है दिखाई, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ तो मुझे उतना ज्यादा क्लियर नहीं देता दिखाई, मुझे लगता है वो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा भूरा गोरा, और कुछ जरूरत से ज्यादा गोरा, शार्प फीचर्स नहीं देते दिखाई, ऐसे ही है ना। हाँ कैमरे का फोकस बदल जाता है, ऐसा दिखता है ना, हाँ फ्लक्चुएट होता है, वही है ये, शायद या तो कैमरे की सेटिंग नहीं मुझे पता है, या फिर मोबाइल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो। खैर एक आध दिन में सॉल्व हो जाएगा वो मामला, या तो अपन मोबाइल बदल ही लेंगे, और नहीं तो क्या कहते हैं सर, एक भाई पता नहीं क्या बोल रहा है, या फिर अपन ऑटो फोकसिंग होता है कैमरा में इसलिए। अच्छा तो उसको ऑफ कर देंगे करण, लेंस वाइप करो। अरे भैया लेंस से कुछ ना होता, लेंस तो रोज मैं कपड़े के साबुन से धोता हूं। ओ चलो लेट मी मिटाओ, देखता हूं मैं, देखता हूं। एक आध दिन की और बात है, मैंने देखा है मेरे पड़ोसी के पास अच्छा मोबाइल है, बस वो बाहर निकले एक बार मोबाइल को लेकर के रात में, उसके पास आईफोन 12 है प्रो वाला, मैंने देख लिया है, बस अब वो जैसे ही लेके बाहर निकलेगा रात को, मास्क लगा के मैं, बस समझ गया आपकी बात को, कुछ भी तुम लोगों ने ऐसा समझ के रखा है मेरे को। महंगाई बढ़ गई यार, पहले आईफोन 50,000 का आता था, अब आईफोन 1,20,000 का आ रहा है। हिंदुस्तान भर में लोगों की इनकम कम हो गई और आईफोन का दाम डबल हो गया। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, कौन दुख मनाए। तो बात क्या चल रही थी हमारी, हमारी बात चल रही थी किस पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पे, है ना बेटा। अब अपन चलते हैं काय पे, ग्रुप में चलते हैं, अभी पीरियड में हो गया अब ग्रुप में चलते हैं। अरे बोलो ना यार, पीरियड में हो गया ना अब ग्रुप में चलते हैं। अच्छा एक बात याद रखना तुम्हें, पीरियड में एक बात और याद रखना, अरे यार मेरा हाथ, तुम लोगों ने अभी क्या लिखा, फॉकलिबन भी नहीं लिखा ना, FOCLI फॉकलिबन बेनी लिखा है ना, इसको नीचे भी एक्सटेंड कर सकते हो, क्लोरीन मतलब दिस ग्रेटर देन 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 दिस, क्लोरीन ग्रेटर देन सल्फर ग्रेटर देन, कार्बन के नीचे क्या आता है कहें सीता, लिथियम के नीचे क्या आता है सोडियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फरस, बेरियम के नीचे मैग्नीशियम, के नीचे आर्गन, उसके आगे एक्सटेंड मत करना, इतनी फैक्चुअल वैल्यूज मिलती नहीं है बुक्स में, है ना, तो हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक, तो ये काय में था बेटा, ये दुनिया काय में चल रही थी, पीरियड में चल रही थी, अब चलो ग्रुप में चलते हैं। ग्रुप में दो तीन ट्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग है, एक 17th ग्रुप का ट्रेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 17th ग्रुप का ट्रेंड है क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। अब यहां क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर देन फ्लोरीन बिकॉज ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट
रिपेंट्स अपकमिंग इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, सर जी तो क्लोरीन में भी तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोशन में, तो वहां भी होना चाहिए रिपल्शन, लेकिन क्लोरीन में पूरा डी ऑर्बिटल खाली पड़ा होता है, समझ लो, क्लियर है बेटा इतनी बात, सही है। अब कोई ये कह सकता है क्लोरीन में भी तो है 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट विजिबल्स अपकमिंग इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन। इन केस ऑफ क्लोरीन डी ऑर्बिटल इज एम्प्टी, जबकि फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल होते ही नहीं, फ्लोरीन में तो सेकंड शेल लगी होती है, डी ऑर्बिटल होने का सवाल ही नहीं होता। तुम लोग मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भैया वहां पूरा डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, 3s 3p 3p 5 3d, टकलू, बोलो हाउ। उसका जो आउटर मोस्ट उसमें 18 की जगह है, उसमें कितने की जगह है, 18 की जगह है, समझे बात को। जैसे राजा अकबर जो थे, जो अकबर थे, सुना तो होगा नाम तुमने अकबर का? नहीं, हमने कुछ नहीं सुना सर। अकबर का नाम सुना है? अकबर की लगभग ऐसा बोलते हैं कि 5-6 रानियां तो बताते ही है मतलब, लेकिन उसके हरम में लगभग 5000 रानियां थी, लेकिन हरम का कंसेप्ट अलग होता है। हरम का मतलब होता है राजा के संरक्षण में जो रानियां होती थी उसको हरम बोलते थे, ठीक है। अब अपन तो ये मान के चलते, कई बार मैंने गांव में उड़ती उड़ती बात सुनी थी, मुझे नहीं पता हो, मैंने कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, एग्जाम में आता नहीं है एक्चुअली, कि अकबर की टोटल शादियां कितनी हुई थी, हु केयर्स कितनी शादियां हुई थी, मेरे को क्या लेने देना उससे, उसने 20 की हो, 50 की हो, के 500 की हो, मेरे क्या मतलब है, कि मेरा थोड़ी ना पैसा जा रही है। अच्छा, उमर बोल रहा है 22 वाइफ थी अकबर की, उमर ने पता नहीं है लिटरेचर कहाँ से पढ़ा है, कौन सी किताब में पढ़ा है, मुझे नहीं पता, बट द थिंग इज दैट कि मैं 22 उमर बोल रहा है, उसने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, चलो उमर की बात ही मान लेते कि 22 थी, ठीक है बेटा, उमर की बात ही मान लेते कि 22 थी, ठीक। उम्र तेरी कितनी हो सकती है लगभग, तेरे को क्या लगता है तेरी कितनी हो सकती है लगभग? एक वाइफ हो सकती है, उसका रीजन है बेटा, उसका रीजन है, अकबर राजा था तो 22 को वो भी मुश्किल से, लो मोहित ने उस पर भी बात करी, वो भी मुश्किल से सर, बिल्कुल सही बात है, ये आपका सोचना बिल्कुल करेक्ट है कि एक होगी वो भी मुश्किल से, मुझे पूरी उम्मीद है आप हरियाणा के रहने वाले हैं। द थिंग इज दैट कि राजा अकबर के 22 रानियां थी एज उमर सेड, बिकॉज वो राजा था यार, वो होल्ड कर सकता था 22 रानियों को, उसका डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ था। अरे यार मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसका डी ऑर्बिटल पूरा खाली पड़ा हुआ था, राजा आदमी था, उसका जगह ही जगह थी। बोलो मेरे भाई मैंने तो 500 सुनी थी, 500 भी होती तो क्या ज्यादा थी, पूरे हिंदुस्तान का राजा था, 500 रानियों को खिला नहीं सकता था क्या वो? अकबर के हरम में 5000 रानियां थी, ये तो मैंने इतिहास में पढ़ा। हरम का मतलब लेकिन अलग होता, हरम में उसकी चाची मामी दादी सब आ जाती थी, बट वो 500 रानियों को भी तो खाना खिला सकता था ना, अच्छे से रख सकता था ना। बोलो बेटा, और अकबर के जमाने में तो बाबू सोना भी नहीं चलता था, जो उसकी रानियां पकड़ के उसको पीटती। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर है बेटा इतनी बात। अकबर को तो इतनी रानियों को जाके पूछना भी नहीं पड़ता, बाबू थाना खाया क्या, ये सब भी नहीं पूछना पड़ता, क्या कहते हो यार, सही है कि नहीं? ये सब प्रॉब्लम भी अकबर को नहीं थी, तो वो तो 22 रानियां होल्ड कर सकता था, लेकिन हम नहीं कर सकते, हमारे लिए ये समस्या है, क्योंकि हमको ये बात जाके पूछनी पड़ेगी, बाबू थाना थाया क्या, बाबू ने मेरे बाबू ने आज सुबह से थाई नहीं पिया, बाबू ने थाना नहीं थाया, बाबू ने ये नहीं किया, बाबू ने वो नहीं किया। अब इतना सारा यदि ध्यान रखना पड़ेगा तो हमारे तो कचरे हो जाएंगे ना मेरे भाई, तो हमारी क्षमता तो उतनी ज्यादा नहीं है ना। तो द थिंग इज दैट के फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, वो ले सकता है, वो होल्ड कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं कर सकता है। आई सपोज दैट बेटा आप अकबर में इतना ज्यादा नक हो गए हो कि आप इसको भूल गए हो क्या चल रहा है, बात क्लियर है सब लोग को? तो फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, जबकि क्लोरीन में डी ऑर्बिटल खाली है, वहां पे जगह खाली है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। अब सुनो, जब भी पहला एलिमेंट टेबल का मतलब सेकंड पीरियड का एलिमेंट लास्ट में या नीचे चला जाए तो आप समझ जाना रीजन क्या है, तो आप समझ जाना रीजन क्या है, जल्दी बोलो बेटा, आप समझ जाना रीजन क्या है, क्राउडिंग। आप क्या समझ जाओगे? क्राउडिंग। डी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल होता नहीं है, एंड देयरफॉर क्राउडिंग के कारण ऐसा हो गया, झगड़े हो रहे।
अरे उसके पास इतना बड़ा महल था ना, मैंने अकबर का एग्जाम्पल क्यों दिया बेटा, उसके पास इतना बड़ा महल था, वो इतने बड़े महल में इतनी रानियों को आराम से बिना लड़े हुए होल्ड कर सकता था। पर हमारे पास तो खुद के रहने के वांदे हैं। घर में यदि पापा मम्मी एक एक्स्ट्रा कुत्ता पाल लें, तो सबसे पहले जिसका रूम दिखाई देता है उनको, जहां पर उस कुत्ते को रखा जा सकता है, आप समझ गए होंगे, क्लियर है बात तुम लोगों को? तो और ये भी पूछना पड़ेगा, वेरी वेरी वेल शुभम, थाना थाया कि नहीं थाया, दैट विल आल्सो बी अ प्रॉब्लम। या तो आई सपोज दैट सब बच्चों के बाद क्लियर है। ये 17th ग्रुप की कहानी है, अब मैं 16th ग्रुप की कहानी बोलता हूँ। दिस इज 17th ग्रुप की कहानी, आई हैव गॉट 16th ग्रुप की कहानी, एंड व्हाट इज दैट? सल्फर मोर देन सेलेनियम, मोर देन टेलोरियम, मोर देन पोलोनियम, मोर देन ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन लास्ट में पहुंच गया, क्यों? अच्छा आप बोलोगे सर के यदि जगह खाली थी तो ब्रोमीन और आयोडीन में तो और ज्यादा जगह खाली होगी, ये तो 4 लग जाएगा और यहाँ पे 5th पीरियड लग जाएगा, तो बेटा इनका जेड इफेक्टिव तो कम है ना। समझे कि नहीं समझे बात को बेटा? समझ रहे हो बात को आप? जेड इफेक्टिव रेगुलेट करता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने की पावर क्या होती है, कम होती है कि बढ़ती है? आना बोलना पड़ेगा। यदि कोई जर्नल पूछे आपसे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ती है घटती है, जल्दी बोल दो यार। डिक्रीज होती है क्योंकि दूर से खींचता है, डिक्रीज होती है क्योंकि दूर से खींचता है ऑनलाइन। क्या बात समझ में आ रही बेटा? डिस्टेंस 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 होती है तो कचरे हो जाते हैं, क्या कहते हैं जानते ना? अरे आज की जनरेशन सब जानते, डिस्टेंस कचरे हो जाते हैं, समझ रहे बात? डिस्टेंस ज्यादा अट्रैक्शन लेस गॉन, डिस्टेंस ज्यादा अट्रैक्शन लेस गॉन, क्लियर है? लॉन्ग डिस्टेंस यस, बट क्लोजर क्लोजर More attraction, closer, more attraction. क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो पर exceptions भी आ जाते हैं, पर exceptions भी आ जाते हैं, और exception क्या है वो मैंने आपको बता दिया। Crowding के कारण कभी कभी कचरा भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन लास्ट में पहुंच गया। समझ लो ना, समझ लो ना। अब phosphorus greater than नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास नाइट्रोजन। एक बात बोलूं, इन सब में डेल्टा एच ई जी जो होता है वो नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। नाइट्रोजन में डेल्टा एच ई जी जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ई ए जो होता है वो नेगेटिव होता है। ऊपर वालों में लिखा नहीं है लेकिन आप समझ गए होंगे क्या बात है, ऊपर वालों में लिखा नहीं लेकिन आप समझ गए होंगे क्या बात है। अरे यार पॉजिटिव वाले बहुत कम है, डेल्टा एच ई जी जिनका पॉजिटिव है, 2A वाले हैं, 2A वाले हैं नोबल गैसेस और नाइट्रोजन, तो बाकी सब क्या हो गए? बाकी सब डेल्टा एच ई जी क्या है, नेगेटिव है। तो डेल्टा एच ई जी जिनका नेगेटिव है उन्हें याद थोड़ी ना करना है, पॉजिटिव वालों को याद करना है, बाकी सब नेगेटिव वाले। वो कल हो गया है खत्म, ठीक है? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? खाना बोलना पड़ेगा, क्लियर ना? ऐसा हो गया ये, है ना? नाइट्रोजन लास्ट में पहुंच गया क्राउडिंग के कारण। दिस इज 15th ग्रुप, ठीक है? दिस इज 15th ग्रुप, ठीक। अब एक बात मैं आपसे बोलता हूं बेटा, सुनना आप मेरी बात को ध्यान से। जो एक फैक्ट लिखता हूं आप ध्यान से सुनना, इसको जरूरी है। क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन, ग्रेटर देन सल्फर। बेटा हेलोजन्स को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिस न्यूट्रल एलिमेंट की होती है वो सल्फर की। भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 17th ग्रुप के एलिमेंट की होती है, लेकिन यदि किसी ने कंपैरिजन ये दे दिया कि आयोडीन को सल्फर से कंपेयर कर दो तो आप कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे थे और वो अप वाला है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई 17th ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना? वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता, लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाएगा यदि उसने आयोडीन और सल्फर को कंपेयर करवा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया क्योंकि मुझे ये फैक्ट पता है। आप समझ लो हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाकी सब एलिमेंट से पीरियोडिक टेबल के ज्यादा होती है, क्लियर है इतनी बात? अरे मेरी बात को सुना कि नहीं सुना? हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेटा ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो कि मेरे को पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी कंक्लूड करके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन्स इज मैक्सिमम
इन होल, पीरियोडिक टेबल। बस अब आपको किसी ने कंपैरिजन दे दिया तो फट दी से कंपेयर कर दो, है ना बेटा? कर दोगे कि नहीं कर दोगे? आना बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है ना? चलो बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी करो। और कल बेटा पढ़ के आना थोड़ा, है ना? कल मैं आपका हल्का सा रिवीजन कराती हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसे आईपी के जितने ऑर्डर बताए हैं सब मैं आपको वापस से बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना बताया है ऑर्डर सब वापस से बताऊंगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पर आईओसी की एक बात है, आईओसी यदि जैसे मैथ्स होता है ना, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद है तो मैथ्स बनता जाता है नॉर्मली, मैंने देखा है। टाइम अभी नहीं बता सकता बेटा मैं, लेकिन 11 बजे नहीं लूंगा क्लास, मैं आपको बताऊं, मैं शाम को क्लास लूंगा, शाम को। कल सैटरडे है ना? कल सैटरडे है ना? कल सैटरडे है ना? हाँ, शाम के समय क्लास लूंगा, शाम के समय 3:30 बजे, 3:30 बजे ऐसे ले लेंगे बेटा क्लास, है ना? 3 से 5 ले लेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 3 से 5 ले लेंगे, एकदम सही है। मिटा दूं क्या? चलाए मिटाओ देश। 11 बजे नहीं ले सकते क्योंकि कुछ बच्चों का स्कूल होगा तो उनकी क्लास मिस हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना? कैसे हुआ, कैसे हुआ, इतना जरूरी कैसे हुआ? तो आप लोगों ने ये सारे के सारे ऑर्डर याद भी कर लिए, रीजंस भी याद हो गए, जल्दी से मनन कर लो यार। पॉकली बन भी नहीं याद है पीरियड में। अच्छा एक ऑर्डर और बताता हूँ मैं आपको, तो जो मैंने आपको भी नहीं बताया, वो नोबल गैसेस में एक ऑर्डर बताता हूँ और एक ऑर्डर बताता हूँ मैं आपको 1A में, सारे ग्रुप में जरूरी नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी के डाटा के अलावा डाटा आता नहीं है एग्जाम, खैर ये सब बातें अब कोई मतलब की नहीं है, बच्चों को कितना ही बताओ लेकिन वो पढ़ते एक्स्ट्रा ही हैं और अकेले बच्चों की गलती नहीं है इसमें, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनकी गलती है, इसमें आप और मेरे जैसे कई लोग इंक्लूडेड हैं जो इस क्राइम को करते हैं। समझ रहे आप मेरी बात? एग्जाम में एनसीईआरटी के आसपास चीज आती है, एनसीईआरटी के आसपास, बस समझने में टाइम लगाना चाहिए। आप बेटा कभी नोट करना, मैं कभी ज्यादा नहीं पढ़ाता, सिर्फ मैं चीजों को समझाता रहता हूँ। कभी भी आप नोट करोगे मैं कभी ज्यादा नहीं पढ़ाऊ, मैं सिर्फ चीजों को समझाता रहूंगा बस। कोई भी एक सेंटेंस पकड़ूंगा उसको समझाता रहूंगा, खत्म बात। समझने की जरूरत है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स की जरूरत थोड़ी ना हमको। और आप किसी से कॉपी कंपेयर कर लो, इतने फैक्ट भी नहीं मिलेंगे, बस समझने के बाद मैं बहुत आराम से वो सारी चीजें लिख दो। तो आप कृपया करके याद कर लिया करो जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ, बस ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ तो यू भी सल्फर से ज्यादा होगी, नहीं यू भी का नहीं मतलब है, अब आपको फैक्ट याद हो गया ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से ज्यादा नोबल गैसेस की होगी। क्या बात क्लियर है? क्या बोला मैंने? हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से ज्यादा होगी, क्लियर है ना सबको? अब इसमें कंफ्यूजन मत पालो, एक बार जब क्लियर हो गया ना तो अब कंफ्यूजन मत पालो, ठीक? चलो एक बार बोलू मैं आपसे, 1A की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि देखी जाए तो उसमें लिथियम ग्रेटर देन, बल्कि हाइड्रोजन लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिख देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में डाटा दिया है, कभी वो इसी ऑर्डर में पूछ लेता हूँ। हाइड्रोजन ग्रेटर देन लिथियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम ग्रेटर देन रुबिडियम ग्रेटर देन सीजियम। अच्छा इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? केतिया बेटा मैं सवाल डेल्टा एच ईजी नहीं पूछ रहा हूँ बच्चे, मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा हूँ, इस बात को समझो। एफिनिटी एक जनरल शब्द है ना बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट होते हैं, परागी, वापस से सुन लो ध्यान से, सब लोग वापस से सुनो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आप ये तो देखो, क्या मैंने आपसे डेल्टा एच ईजी पूछा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है? पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है और डेल्टा एच ईजी नेगेटिव होता है, सुना कि नहीं सुना? पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी पीरियोडिक टेबल में डेल्टा एच ईजी नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, एक्सेप्शंस इज नाइट्रोजन, सेकंड है नोबल गैसेस। बोलो मेरे भाई सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां कौन है जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए? इलेक्ट्रॉन इज लाइक मनी पीसा, इलेक्ट्रॉन इज लाइक मनी पीसा, किसको पीसा नहीं चाहिए?
एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस आर देयर जिनको पीसा नहीं चाहिए, और वो एक्सेप्शन कौन है? नाइट्रोजन, उसके तो नाम में ही ना है, नाइट्रोजन। अंबानी को तो सबसे ज्यादा चाहिए नाइट्रोजन, सेकेंड ए और नोबल गैसेस, नाइट्रोजन सेकेंड ए और नोबल गैसेस, इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बाकी सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगी? पॉजिटिव। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? मोहब्बत, स्नेह, प्यार, लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, अब तो समझ गए ना, समझ गए ना, बस इस बात को अपन को याद रखना है बच्चों। बहुत बढ़िया, चलो बेटा, तो ये है ऑर्डर, है ना। जबकि नोबल गैसेस का ऑर्डर एकदम अजीब सा है। नोबल गैसेस का यदि तुम ऑर्डर देखोगे, यही लिख दूं, सबकी डेल्टा एच जी क्या है? नेगेटिव, है ना। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, कल के दिन एग्जामिनर यदि आपको ये बात कह दे और आप फेल जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे को पता है। वो बोल दे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच जी बिकम्स लेस नेगेटिव इन वन, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? As we move down the group, value of delta HEG becomes less negative. In one, बात सही है गलत? बात सही है कि गलत? जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाती है, ऑब्वियसली। सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो भी वैल्यू होती है, यदि उस पर मॉड लगा दे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए तेरे को, बस। समझ ला? समझ ला? क्लियर क्लियर क्लियर। अब सोचो आप नोबल गैसेस, मैं नोबल गैसेस की डेल्टा एच ई जी वैल्यू लिखूंगा तो मुझे ऑर्डर बताना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, और इनकी वैल्यू है प्लस 48, प्लस 116, प्लस 96, प्लस 77, प्लस 68। अब कौन होशियार बच्चा मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताएगा? बताओ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पे किसकी? जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को साथ है? कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को साथ है? ये डेल्टा एच ई जी का ऑर्डर है, मतलब प्लस वैल्यू बेटा, है ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चाहता है हीलियम, जिसकी डेल्टा एच की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, और डेल्टा एच ई जी की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को धसाने में आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सोचो, इसका मतलब यह है कि हीलियम में यदि आप इलेक्ट्रॉन धसा रहे हो, हीलियम से यदि आप हीलियम नेगेटिव बना रहे हो, तो जो एनर्जी आपकी खर्च हो रही है वो है 48 किलो जूल पर मोल, बोलो हाउ। लेकिन नियॉन में आपके पसीने छूट गए, नियॉन नेगेटिव बनाने में एनर्जी लगी 116 किलो जूल पर मोल। क्या ये बातें तुम लोग समझने लग गए हो? यार मैं ये बातें कई बार बता चुका हूं, आपको समझनी पड़ेगी, खुद का दिमाग चालू करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। आसान पढ़ाया जा सकता है, चीजों को आसान किया जा सकता है, लेकिन कब तक बचोगे? एग्जामिनर फंसाए उससे अच्छा मैं फंसाऊं,
ठीक है ना। चलो भाई, तो नंबर वन हीलियम, नंबर टू ज़ीनॉन, नंबर थ्री क्रिप्टॉन, नंबर फोर आर्गन एंड नंबर फाइव नियम। दिस इज द वैल्यू। एक चाह हुआ, दो चाह हुआ, तीन चाह हुआ, चार चाह हुआ, पांच चाह हुआ। ऐसे करके आपको वैल्यूज देखनी हैंगी। और कम लिख दी क्या, 96 लिखी थी, फिर एक और 96 थी। ओ माय गॉड, आई जस्ट फॉरगॉट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। थोड़ी सी गलती किया मैं, यहाँ भी 96 है, यहाँ पर 77 है, और एक बच गया था जो कि रेडॉन है, इसको मिटा देता हूँ। दिल का दरिया महंगा, ज़ीनॉन, रेडॉन, 77-68, बोलो हाउ। अब बोलो ऑर्डर क्या होगा भाई, हीलियम ग्रेटर ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन बराबर आर्गन, नियॉन ग्रेटर देन एक चाचा बीच में ठूसेंगे, ज़ीनॉन कहाँ गया, ज़ीनॉन, ज़ीनॉन के पहले आएगा रेडॉन, रेडॉन के बाद आएगा ज़ीनॉन, उसके बाद आएगा आर्गन, आर्गन के बराबर आएगा क्रिप्टॉन, से ज्यादा आएगा हीलियम। बोलो हाउ, बोलो हाउ। हो गया, हो गया। शी टेक्स मनी नाउ, ओके, शी टेक्स मनी नाउ का है, शी का है। ओ, हीलियम क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, इज ग्रेटर देन नियॉन, ठीक है, हीलियम, रेडॉन, ज़ीनॉन, आर्गन बराबर क्रिप्टॉन ग्रेटर देन नियॉन। आई सपोज एवरी वुड अंडरस्टैंड दिस, क्लियर है, जॉनाथन है ना, अभी ठीक है ना, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। आर्गन क्रिप्टॉन सब बराबर है, सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब सही, जॉनाथन। ओके गाइस, स्टॉप लो। इसी के साथ ग्रुप के ऑर्डर भी हो गए और पीरियड में ऑर्डर भी हो गए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हो गया, और उसके शुरुआती पॉइंट्स भी खत्म हो गई, ठीक है। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। क्वेश्चंस कल मैं आपको बहुत सारे इस पे करा दूंगा सॉल्व, लेकिन उसके पहले आप भी थोड़ा कोशिश करो, क्वेश्चन इन्हीं चीजों पे होंगे, जो ऑर्डर लिखे हैं ना बेटा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। अब कोई क्या करेगा, आपको चार एलिमेंट दे देगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बोलेगा कंपेयर करो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो कर लोगे। अरे बोले ना, किसने बोला कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सल्फर को हटा दो यहाँ से, हाँ सल्फर ले सकते हो, लेकिन सल्फर को हटा देना नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेट मी चेक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कंपेयर करा लेगा, 1s2 2s2 इस हिसाब से। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई लिख के देगा, तुम पहला काम क्या करोगे, एलिमेंट का नाम लिख लोगे, समझे, और फिर उनसे कंपैरिजन आप करोगे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला काम आपको पुराना अच्छे से सॉल्व करना है, पुराना बहुत बढ़िया तरीके से आपको सॉल्व करना है। यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खूब मजबूत है, तो आपको अगले चैप्टर में भी अच्छा लगेगा केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। क्या इतनी बात सबको कंफर्टेबल है? यदि कोई बोलता आपसे, मान लो कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करो, तो एक बात तय थी कि ये तीन एक ही पीरियड के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, तो इन तीन को कंपेयर कर सकते हैं। ऑक्सीजन ग्रेटर देन कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, फॉकली बन बिनी का पार्ट हो गया ये, आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार, बोलो, इन तीन को तो आराम से कंपेयर कर सकते थे। और तुमको पता है सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, सो दिस विल बी डॉट, बोलो बेटा,
बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ बोल दो जल्दी से, आ गई ना बात समझ में? तीन पीरियड के थे, तीन को कंपेयर कर लिया, फिर जो एक ग्रुप का था सल्फर वाला उसको भी कंपेयर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपसे पूछता कंपेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, आप क्लोरीन सल्फर ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सीजन सेलेनियम कर सकते हो? सबसे पहले हेलोजन, आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन इनका ज्यादा ही है दूसरों से, तो हेलोजन को नंबर वन करो। अब हेलोजन में भी सबसे ज्यादा किसका होगा? हेलोजन में भी सबसे ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का। उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। अब सल्फर ऑक्सीजन और सेलेनियम में ज्यादा किसका होगा? सल्फर ऑक्सीजन सेलेनियम में ज्यादा किसका होगा? सल्फर का ज्यादा होगा। ऑक्सीजन सेलेनियम में किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का लास्ट में बेटा, अभी तो ऑर्डर याद कराया था आर्ची बेटा, ऑक्सीजन लास्ट में लिखा हुआ था, तो सेलेनियम उसके बाद ऑक्सीजन। याद आ गया सब लोग को? याद आ गया सब लोग को? क्लियर थी बात, समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? ठीक है ना, कर लोगे? कर लो। जैसे कोई क्वेश्चन बोल दे 1s2 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 ये चार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिए और बोले ऑर्डर बता दो, फाइंड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फाइंड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर गिवन कॉन्फ़िगरेशन, फॉर गिवन कॉन्फ़िगरेशन। आई होप सो सवाल कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। सबसे पहले आप एलिमेंट का नाम लिखोगे, ये तो हीलियम हो गया 1s2 2s2 2p1 ये आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा उसने आपको बताया हुआ है, ठीक है। 2s2 2p1 बोरॉन हो गया, 2s2 2p2 कार्बन हो गया, और ये क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया, मतलब सेकंड पीरियड है। फॉकली बन बिनी, यही था भाई, फॉकली बन बिनी। और क्योंकि यहाँ पे हीलियम है वो ऊपर का है, लेकिन नोबल गैस है तो नोबल गैस तो आखिरी में आएगी आएगा, उसको इधर कर दो, नियॉन को काट दो। अब एफ तो दिया नहीं है छोड़ो, ऑक्सीजन तो दिया नहीं है छोड़ो, कार्बन दिया है ये हो गया नंबर वन कार्बन, लिथियम दिया नहीं है छोड़ दो, इसके बाद बोरॉन दिया है, इसके बाद बोरॉन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में क्या आ जाएगा? टुक नाइट्रोजन, सॉरी उसके बाद आ जाएगा बन बिनी बिनी, कहाँ गया? नाइट्रोजन पहले है ना, नाइट्रोजन पहले है, तो नाइट्रोजन ऊपर था क्या कहीं? हाँ था। और उसके बाद क्या है? बेरिलियम है, बेरिलियम बेरिलियम, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? मेरे पास क्या क्या चीजें ऑप्शन में? चार है ना, तो चार में क्या क्या है मेरे पास? बोरॉन है, कार्बन है, तो कार्बन ग्रेटर देन बोरॉन, ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन हीलियम, हो गया खत्म, खेला बाबू। बोलो आ गया सबको समझ में? आ गया सबको समझ में? खुद भी कर लोगे? हीलियम लिख दिया ना यहाँ पे बेटा, हीलियम यहाँ पे लिख दिया ना बच्चे, ठीक है ना। ओ गाइस अब सोचो, कोई आपको ऐसा दे देता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा आ गया, दैट इज अबाउट 1s2 2s2 2p4 नहीं 1s2 2s2 2p1 और चौथा आ गया 1s2 2s2 2p5। अब मैं आपको बताऊं, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, लेकिन फ्लोरीन से कम होगा, है ना, लेकिन बाकी इन सब से ज्यादा है, बाकी इन सब से ज्यादा है। खैर इसको लिखना नहीं चाहिए, तो थोड़ा कंपेरेबल नहीं हो पाता है, तो 1s2 लिख देते हैं, ज्यादा सही है ना। क्यों ऐसी बात करें जिसमें फालतू का कंफ्यूजन हो, है ना बेटा, क्योंकि फैक्चुअल हो जाएगा क्वेश्चन। आया 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 आया, कर सकते हो खुद? सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखो, एलिमेंट का नाम क्या क्या है? पहले एलिमेंट का नाम क्या होगा बोलो, पहले एलिमेंट का नाम क्या होगा बोलो? 1s2 हीलियम, शाबाश। दूसरे एलिमेंट का नाम बोलो, 1s2 2s1 यार बोल रहा यार, लिथियम होगा, बहुत बढ़िया। तीसरे एलिमेंट का नाम बोलो क्या होगा? बोरॉन। अब चौथे एलिमेंट का नाम क्या होगा? फ्लोरीन। सब लोग कर सकते हो कंपेरिजन, फॉकली बन बिनी लिखो,
जो है उसको कंपेयर कर लो, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। बोलो तो क्या मैं लिख सकता हूँ, फ्लोरीन ग्रेटर देन लिथियम ग्रेटर देन बोरॉन ग्रेटर देन हीलियम। आई सपोज दैट मैं अपनी बात तुम लोग को समझा पाया, कुछ कुछ चीजें बता पाया हूँ, तुम लोग कुछ कुछ सीख भी पाए होगे, है ना, हो गया ना। चलो भाई तो जल्दी से आप जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट मेरे पास बाकी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक चालू करना है। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, उम्र मेरी नंदी ने। बिठा दूं बेटा, बेटा बिठा दूं। आओ आगे बढ़े, आगे पढ़े। यार ठंडों में कभी तुम लोग अपने भाई बहन साथ में तो सोए होगे कभी ना कभी। अरे सिबलिंग्स रहते हैं साथ में सो जाते हैं बेटा, मम्मी एक ही को उड़ा देती है, बड़ी सी रजाई होती है हमारे घर पे, है ना, और माँ एक ही रजाई उड़ा देती है सब भाई बहनों, ऐसा होता है ना। उस दौरान की लड़ाई को तुम याद करना, क्या होता था उस दौरान, क्या उस दौरान ऐसा नहीं होता था कि एक भाई या एक बहन अपनी वो रजाई ज्यादा खींच लेता था। याद है आपको वो ब्यूटीफुल दिन ठंडों के, हालांकि अभी आपकी उम्र इतनी नहीं हुई है, अभी भी आपके लिए जीवन में वो दिन चल रहे होंगे, अभी आपका बचपन ही है एक तरीके से, 11th क्लास में ही तो आए हो, लेकिन फिर भी और छोटी क्लासेस में और ज्यादा होता था, है ना, खींचा खाची चलती रजाई के। बस यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी यही होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इट इज टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। समझे, जैसे कि बेटा हमारा नाम हाइड्रोजन, हमारा नाम फ्लोरीन, करेक्ट बेटा। तो क्या है, आइडियली दो इलेक्ट्रॉन जो इसके बीच में बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बनता है ना बीच में, इसका मतलब कोई लट्ठ तो होता नहीं है, इसका मतलब है बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, पर बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पिक्चर कुछ ऐसी दिखती है, आइडियल पिक्चर कुछ ऐसी दिखती है, जैसे आप सबकी एक ना एक दिन शादी होगी तो आप सबने सपने देखे होंगे, है ना बेटा, आप सबने सपने देखे होंगे, कुछ पावर मेरे पास होंगे, कुछ मेरी बीवी के पास होंगे, कुछ मेरे पास होंगे, कुछ मेरे हस्बैंड के पास होंगे। बोलो बेटा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सबने ऐसे कुछ सपने देखे। उमर तूने हो सकता है दूसरे सपने देखे हो, लेकिन मैं बोल नहीं सकता मोबाइल पे, समझ रहा है बात को। तो दत्ती के बोल रहा है सर इतनी जल्दी क्या, अभी तो गर्लफ्रेंड, आप वो वाला एग्जाम्पल दे दो ना, भग जाए यहां से, समझा। तो द थिंग इज दैट एच और एफ, क्लियर है बात तुम लोगों को, तो खैर ही नेवर सेड दैट, वो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, बट ब्यूटी उसी की है। तो द थिंग इज दैट कि आपने ये सोचा है, ठीक है ना, आपने ये सोचा है कि आप ये दो लोग हैं बेटा, है ना, और सारी पावर्स बीच में होंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं। आप उससे पूछोगे बाबू थाना थाया क्या, बाबू भी तुमसे पूछेगा बाबू थाना थाया क्या, लेकिन अरे खुशी रुक जाना दो मिनट, एग्जाम्पल सीख ले, अभी बचा हुआ है दो मिनट। तो द थिंग इज दैट लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक जने ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। क्या तुम लोग को इस बात के बारे में पता है कि नहीं पता है? अभी एक मिनट बाकी है, खुशी चुप रहे। एक बार इस बारे में तुम लोग को पता है कि नहीं पता है कि एक जने ज्यादा डोमिनेटिंग होता है जनरल रिलेशंस में, पता है ना? मैं शुरू से जानता हूं तुम बहुत बदमाश हो। मुझे आज तक नहीं पता,
मुझे आज तक नहीं पता है, इतना भोला इतना सीधा हूं मैं, मुझे आज तक नहीं पता ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन तुम लोगों को पता है हर चीज। तो द थिंग इज दैट कि टेंडेंसी टू पुल शेड, हमने सोचा ये था इधर होना चाहिए, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती। रियलिटी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा होता है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसके गंजे पे नेगेटिव चार्ज आता है, जिससे दूर जाता है उसके गंजे पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो दिस इज टेंडेंसी टू पुल शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है बेटा? देखो एक बच्चा बोल भी रहा है एफ फॉर फीमेल, सो द थिंग इज द फीमेल पार्ट इज मोर डोमिनेटिंग। आई नो दैट, कांट से एनीथिंग। ठीक है, आज के लिए क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, समय हो गया है, आप जाएं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और बहुत सारी पढ़ाई करते रहें। कल की क्लास जो है मैं आपको टाइम डाउट ग्रुप पे बता दूंगा, आज के लिए विराम लेते हैं। बाय बच्चों, आप साइड भी ले लो। हो राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, बाय बेटा।